हरियाणा के निकाय चुनावों की आहट होते ही सहकारिता मंत्री बनवारी लाल आज अंबाला कैंट पहुंचे और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से मुलाकात की। विकास शुल्क के फैसले को वापस लेने पर उन्होंने कहा, जनहित में ऐसे फैसले वापस लेने पड़ते हैं। वहीं डेरा प्रमुख की सुरक्षा के मसले पर उन्होंने कहा कि अधिकारी इस प्रकार के इनपुट मिलने पर स्वयं ही फैसला ले लेते हैं। 5 राज्यों के चुनावों में उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि नगर परिषद के चुनाव की घोषणा होते ही अंबाला में चुनाव लड़ने वालों से वे मिलने आए हैं। सरकार द्वारा पूर्वी विकास शुल्क और 5वीं से 8वीं क्लास के बोर्ड द्वारा परीक्षा लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई बार जनहित को देखते हुए मुद्दे वापस लेने पड़ते हैं, इसमें सरकार बैकफुट पर नहीं आती। डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने के बाद उनकी सुरक्षा में जेड प्लस सिक्योरिटी के मामले पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि डेरा प्रमुख बारे इनपुट मिली थी कि उन्हें जान का खतरा है, इस वजह से अधिकारियों ने उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दे दी है। लेकिन इस बारे में गृह मंत्री से सलाह न लेने पर उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारी इस प्रकार के इनपुट मिलने पर स्वयं ही फैसला ले लेते हैं। पंजाब में हो चुके विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में हुए चुनाव पर किसान विरोध का असर बारे बनवारी लाल ने कहा कि किसान पहले भी इस प्रकार का विरोध करके देख चुके हैं, जिसका इन चुनावों में कोई असर नहीं हुआ और भाजपा सभी जगह पर विजय प्राप्त करेगी। तो जिस तरह से हमारे नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू थे और आज उनकी विधिवत घोषणा भी हुई है 24 अप्रैल को ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस चुनावों का मद्देनजर उनको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला किया कि भी सभी मंत्रियों को, वरिष्ठ नेताओं को जहाँ जहाँ नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने हैं वहाँ जाके कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम आज अंबाला आए हुए थे और आज सुबह से हमने अभी मेरे ख्याल 8 वार्ड तो कर चुके हम, और 8 वार्डों में जिस तरह से लोगों में, कार्यकर्ताओं में, वैसे तो कार्यकर्ताओं की ही मीटिंग है, कार्यकर्ताओं की जो इतना भीड़ है और इतना जोश है, उमंग है लोगों के अंदर चुनाव के प्रति, क्योंकि पिछले 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए किए हैं, बिना भेदभाव के जो विकास कार्य किए हैं, उन कार्यों के से खुश होकर और लोगों में काफ़ी जोश है और पार्टी के प्रति काफ़ी समर्पित हैं लोग और पार्टी में विश्वास भी है कि आने वाले जो नगर परिषद के चुनाव हैं इसके अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके और भेजेंगे और यहाँ पर चेयरमैन और नगर परिषद के जो मेंबर हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। देखो फैसले होते भी हैं और जनता के हित में वापस भी लिए जाते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे होता रहता है, पहले वाली सरकारों में हुआ, ऐसा नहीं है कि ये सरकार में हो रहे हैं, तो सरकार जब देखती है जनता। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।